नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों। झारखंड के निरसा में आज ईद के पावन अवसर पर निरसा स्थित मदीना मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना महामारी को देखते हुए मात्र 5 लोगों ने नमाज अदा की, जिसमें इमाम मुफ्ती अब्दुल मजीद, कादरी मिसबाही, मोहम्मद इस्माइल, सागिर अहमद, शमीम साहब, मोहम्मद नसीम मौजूद थे। आज निरसा के मुसलमान भाई बहुत ही शालीनता और सारे नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही ईद का पर्व मना रहे हैं। निरसा संवाददाता अशोक चौहान की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं अभी निरसा स्थित मस्जिद में हूं और आप देख ही पा रहे होंगे, इस वीडियो में दिखाया गया है कि यहां कितनी शालीनता से ईद पर्व को मनाया गया बिना कोई भीड़ भाड़, शांतिपूर्वक। अब बहुत ही कम मात्रा में लोग, नहीं के बराबर, मात्र 2 या 3 लोग इस जमात में मौजूद थे। तो आज मेरे साथ हैं यहाँ के इमाम साहब, मैं उनसे कुछ बातें करवाता हूँ आपकी। तो सबसे पहले आप बताइए कि आज का दिन कैसा रहा आप लोग? आज का दिन ईद मुबारक का दिन है, बहुत अच्छा रहा और हम लोग बहुत खुशी के साथ ईद मनाए। ऐसे मेरा नाम अब्दुल मजीद कादरी मिसबाही है, मैं मदीना जामे मस्जिद का इमाम हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उस वक्त निरसा के जितने भी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसका पालन करते हुए आज ईद की नमाज़ में हम लोग मात्र पाँच आदमी नमाज़ पढ़े हैं। सिर्फ पाँच आदमी नमाज़ पढ़े हैं, जिसको हुकूमत हिंद ने जो कानून नाफिज़ किया है उसका हम लोग पालन करते हैं, अभी किए और हमेशा करते ही रहेंगे। और सबसे अच्छे आप लोग का जो नमाज़ पढ़ने के जो कार्यक्रम, वो कब कम्प्लीट हुआ? चूँकि यहाँ की इंतजामिया कमेटी ने नमाज़ पढ़ने का वक्त जो मुकर्रर किया था वो 7 बजे था। ठीक 7 बजे हम अपने मुसल्ले पर खड़े हो गए और 7 बजे से नमाज़ पढ़ के खुतबा देते हुए 7:20-7:25 तक हम लोग इत्मीनान और सुकून के साथ पांचों आदमी नमाज के बाहर निकल गए। देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और देश की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से अमन सुकून के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उसी तरह से जितने भी हिंदुस्तान के वासी हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, वो लॉकडाउन का पालन करें और जो हिंदुस्तान के अंदर महामारी लगी हुई है इसका मुकाबला करें और जल्द से जल्द निजात पाने को रास्ता निकालें। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत चलिए शुक्रिया। ईद मुबारक। चलिए, ईद मुबारक हो आपको भी। करते हैं।